नेता राजपाल यादव पर लगा धोखाधड़ी का आरोप, इस वक्त की बड़ी खबर। इंदौर से जहां पर अभिनेता राजपाल यादव पर धोखाधड़ी का आरोप लगा है, इंदौर पुलिस ने अभिनेता को नोटिस जारी किया है, 15 दिन में पेश होने के निर्देश दिए गए हैं। बिल्डर ने 20 लाख रुपयों की धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। बिल्डर ने तुकोगंज पुलिस थाने में इसकी शिकायत दर्ज की है। राजपाल यादव, बता दें, इन पर धोखाधड़ी का आरोप बिल्डर ने लगाया है, 20 लाख रुपयों की हेरफेर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बिल्डर ने तुकोगंज पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज की है। सुरेंद्र सिंह सरदार हैं जो अपने लड़के को फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के लिए राजपाल सिंह को पैसा दिए थे। राजपाल यादव जो एक्टर हैं उनको पैसा दिए थे, जो उनके लड़के को फिल्म इंडस्ट्री में नहीं रखवाए और न ही उनके पैसे वापस किए। इस संबंध में उन्होंने एक लेखी आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था, जिसके संबंध में राजपाल यादव को नोटिस जारी कर 15 दिन में जवाब देने के लिए बताया गया। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे इंदौर से, महेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ गया है। महेश, जिस तरह से बात करें, धोखाधड़ी का ये मामला सामने आया, राजपाल यादव को पेश होने के लिए कहा गया 15 दिन में, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह से हेरफेर, क्या कुछ हुआ था? देखिए, दरअसल ये मामला कुछ इस तरीके से, इंदौर के एक बड़े बिल्डर हैं, वो अपने बेटे को फिल्म इंडस्ट्री में किसी बड़े मुकाम पे देखना चाहते थे। उनका बेटा रंगकर्म और एक्टिंग से जुड़ा हुआ है, वो चाहता था कि उसको फिल्मों में कहीं ब्रेक मिले। इसी दौरान किसी एजेंट के माध्यम से राजपाल यादव से बिल्डर सिंह का संपर्क हुआ, और संपर्क होने के बाद में ये तय हुआ कि राजपाल यादव कुछ पैसों के एवज में उन्हें वहाँ पे इंडस्ट्री में काम दिलाएंगे, इंडस्ट्री में उनकी मदद करेंगे, इससे वो अपना करियर बना पाए, फिल्मों में अपना करियर चमका पाए। इसी बात के लिए अलग अलग टुकड़ों में कभी 5 लाख, कभी 8 लाख, कभी 2 लाख, ऐसे करके कुल 20 लाख फिल्मों में काम दिलाने को लेकर बिल्डर के बेटे ने जिस तरह से कहा, राजपाल यादव ने कहा कि उन्हें काम दिलाएंगे, और लेकिन उसके बाद काम जो है वो नहीं दिया गया, 20 लाख रुपयों की हेरफेर का ये पूरा मामला है। बहुत बहुत शुक्रिया महेश तमाम जानकारी के लिए। तो 20 लाख रुपयों की धोखाधड़ी का आरोप जो है वो लगाया गया है बिल्डर की तरफ से, बिल्डर ने तो कुगंज पुलिस में इसमें शिकायत की है। और इसी के साथ